शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तूफान तूफान आया और फिर क्या हुआ था? तूफान के बाद तूफान के बाद हाँ आओ जल्दी आओ जल्दी 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 उस रात ऐसे बिजली कड़की और तुम उसके बाद हाँ भड़की ऐसे एक गाय आई और ऐसे भरी और तुम दुपक्के ऐसे हमारी दांत में छुप गई। शिवांश हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना, हमें बताओ क्या उस रात हमारी शादी हुई थी? हाँ शादी हाँ शादी उस रात अब बता। बैंड बज रहा था, बजे ही जा रहा था बैंड, और फिर एक पंडित जी और वो मंद पड़े जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं। उसके बाद उसके बाद घोड़ी ने सुसु कर दी। घोड़ी? हमारे मामा की शादी थी और वो घोड़ी पे बैठे थे और उसके बाद घोड़ी भी नाच रही थी और हम भी नाच रहे थे ऐसे। शिवांश शिवांश हमारी तरफ देखो। देख रहे हैं लेकिन डूब जाएंगे आंखों में। शिवांश हम क्या पूछ रहे हैं, हमारी शादी हुई थी उस रात को? हमारी हा? शादी अब याद आया हमें। हाँ उस रात हमारी शादी हुई और आप सुहागन के जोड़े में आई और हमारे साथ आपने वो ऐसे बोलते ना हाँ साथ फेरे लिए। हाँ उस रात हुआ था। उसके बाद आप कितनी भी बड़ी अदालत में चले जाइए, सच यही है कि हमारी शादी हुई है। बीवी क्या हुआ, आपको कुछ और सुनने की इच्छा थी? तुम होश में हो? लेकिन हमने तो गुट्टी पिलाई थी है ना, लेकिन देखिए ना आपके गुट्टी का हम पे कोई असर ही नहीं हुआ। क्योंकि क्योंकि हमने वो पी ही नहीं। लेकिन लेकिन हमने तो हाँ हमने ये बॉटल बदल दी थी। सबसे पहले खाना बना लेते, फिर ये सच्चाई की गुत्थी शिवांशी खाने में मिला देंगे। और बॉटल में पानी मिला दिया था। बीवी जी आप हमसे खेल खेल रही थी, अच्छी कोशिश है लेकिन जीत नहीं पाएंगे। आपको सच जानना है ना, आइए आपको बताते हैं सच। ये देखिए ये है सच। अब आप कोई दूसरा सच ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, आपका अब एक ही सच है कि आप हमारी पत्नी हैं और ये सच कभी बदलने वाला नहीं है। ये लीजिए रखिए अपने पास।
इतना बड़ा नाटक किया इसने, बोतल बदल दी। इसका मतलब इस शादी के पीछे कोई सच जरूर छुपा है, कोई राज जरूर है जिसे ये छुपा रहा है। लेकिन अगर शादी हुई होती तो इससे डरने की क्या जरूरत थी? हम उस राज के तह तक चौके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। हम आपसे वादा लिए थे ना कि अब कोई नहीं रोएगा। क्या करें, बबुआ की बहुत याद आती है। पापा की याद तो हमको भी बहुत आती है अम्मा, उनकी कमी हमेशा खलेगी। अम्मा, हम जो पापा से वादा किए थे ना, वो हम जरूर पूरा करेंगे। एक बात बता शिपू, शेवनी के साथ तुमने क्यों शादी की ये तो हम समझे, कैसे की? शवरी को तो कुछ याद नहीं। तुमने सही में शादी की है? इस सवाल को सवाल ही रहने दीजिए, यूं समझ लीजिए कि किसी अनजान ने हमें एक ऐसी राज की बात बताई थी जिसकी वजह से हम इस काम को अंजाम दे पाए। वो जो भी है उस काम पर एहसान रहेगा। कौन अनजान बेटा? पता नहीं अम्मा, लेकिन वो जो भी है इस परिवार की रख रख से वाकिफ है। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।